हे गाइस, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद घंटा दबाएं ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। गाइस, क्या आप भी लेना चाहते हैं घर बैठे अपने मोबाइल फोन से केवल आधार कार्ड पैन कार्ड देकर पूरे 5 लाख रुपए तक का लोन? मुझे पता है आप लेना चाहते हैं, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। भाई वीडियो पूरा देख लेना अगर आप 5 लाख रुपए तक का लोन लेना चाहते हैं। यहाँ पर आपको मैं कंप्लीट स्टेप बताने वाला हूँ किस तरीके से आपने यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करना है और कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कितने इंटरेस्ट पर आपको यहाँ पर लोन मिलेगा और कितने दिन के लिए आपको यहाँ पर लोन मिलेगा, सब कुछ आगे बता दूंगी। वीडियो इसके बिल्कुल मत करना, हो सके तो इस वीडियो को मेरे भाई लाइक कर देना और अगर आप एक नई मैंने पहली बार वीडियो देख लिया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए देखते हैं कौन सी कंपनी यहाँ पर आप ले सकते हैं पूरे 5 लाख रुपए तक का लोन। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, मेरे पास काफ़ी कमेंट्स ऐसे आते हैं जिसके अंदर मुझे बोलते हैं भाई हमें ऐसी कंपनी के बारे में बताइए जहां पर हम जो है एक बड़ा लोन ले सकें और वो कंपनी ट्रस्टेड कंपनी होनी चाहिए जहां पर हम लोन के लिए अप्लाई करें। तो गाइस, आपका भाई आपके लिए लेकर आया बजाज फाइनेंस। आप यहाँ पर ले सकते हैं 1 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का लोन। इंस्टेंटली आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर देने होंगे लोन लेने के लिए। कैसे आपको यहाँ पर लोन मिलेगा आगे बता दूंगा, वीडियो उसके बिल्कुल मत करना। लेकिन आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा एप्लीकेशन का। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे प्ले स्टोर में जाएंगे, यहां पर आपको एप्लीकेशन दिखाई देगी जिसका नाम है फाइनेंसर मार्केट। ठीक है, ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है, बजाज फाइनेंस की ये एप्लीकेशन है, इसको आपको डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइस, एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके आपको यहां पर दिखाई देने वाला है। गाइस, इस एप्लीकेशन के अंदर बजाज फाइनेंस ने सब कुछ डाल दिया है। यूपीआई आप यहां पर कर सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस आप यहां पर ले सकते हैं, म्यूचुअल फंड आप यहां पर ले सकते हैं, ईएमआई कार्ड आप यहां पर बना सकते हैं। ईएमआई कार्ड कैसे बनाना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। ई स्टोर आपको यहां पर मिल जाएगा, यानी अगर आप कोई प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं तो डायरेक्टली इनका जो ई स्टोर है उनसे जो है विदाउट इंटरेस्ट पर खरीद सकते हैं। ठीक, आई कैश का एक टैब आपको यहां पर मिल जाएगा। ये क्या है इसके ऊपर भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा, लेकिन अभी तक इन्होंने ये लॉन्च नहीं किया है। डिजिटल गोल्ड आपको यहां पर ये टैब मिल जाएगा, यानी आप यहां पर डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। पर्सनल लोन के लिए आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, होम लोन के लिए आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। और गाइज, आप जो है यहां पर और भी काफी यार इन्होंने टैब दे रखे हैं, बिजनेस लोन के लिए आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं आपको यहां पर स्क्रॉल डाउन करके दिखाऊं तो गाइज आप यहां पर देख सकते हैं, मुझे यहां पर ये जो कंपनी है ऑफर कर रही है पर्सनल लोन के लिए कि भाई आप जो है यहां पर 25 लाख रुपए तक के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर मैं चाहूं यहां पर 25 लाख रुपए तक का लोन ले सकता हूं, आपको भी यहां पर सेम इसी तरीके से ऑफर मिलने वाला है। उसके बाद भाई ईएमआई कार्ड के लिए मेरे पास ये ऑफर कर रही है कि भाई आप जो यहां पर ईएमआई कार्ड अप्लाई कर लीजिए जिस पर आपको 4 लाख रुपए तक का अप्रूवल मिल सकता है। यानी अगर मैं यहां पर ईएमआई कार्ड के लिए अप्लाई करूं तो 4 लाख रुपए तक का अप्रूवल मुझे यहां पर मिल सकता है। होम लोन के लिए अप्लाई कर सकता हूं। मैं यहां पर आपको बताऊंगा किस तरीके से आपने पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्या है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको यहां पर देने होंगे लोन लेने के लिए। तो गाइस, सबसे ऊपर आपको यहां पर पर्सनल लोन का जो टैब दिखाई दे रहा है आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप पर्सनल लोन पर क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पेज आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे फीचर्स के बारे में, उसके बाद एलिजिबिलिटी के बारे में, किस तरीके से आपने अप्लाई करना है वो मैं आपको यहाँ पर लास्ट में बताने वाला हूँ। अगर मैं फीचर्स की बात करूँ तो गाइस, ये लोन आपको मिलेगा 12 महीने से लेकर 60 महीने के लिए। ईजी ईएमआई पर आपको यहाँ पर ये लोन मिल जाएगा। विड्रॉल कर सकते हैं एनी टाइम। यानी आपको यहाँ पर गाइस क्या होता है, बजाज फाइनेंस आपको एक लिमिट देता है। मान लीजिए आपको यहाँ पर 5 लाख रुपये की लिमिट मिल गई, आपको 5 लाख रुपये की जरूरत नहीं है तो आप वहाँ पर 1 लाख रुपए विड्रॉल कर सकते हैं और जो भी लोन अमाउंट आप वहां पर विड्रॉल करेंगे केवल उसी पर आपको इंटरेस्ट देना होगा। बाकी जो आपकी 4 लाख रकम बची हुई है उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं देना है। कभी भी आप जो वहां पर विड्रॉल कर सकते हैं, कितनी भी बार आप वहां पर जो है अपनी लोन अमाउंट को विड्रॉल कर सकते हैं उसी पर आपको इंटरेस्ट देना होगा। नो हिडन चार्जेस आपके यहां पर लगने वाले हैं। अब बात करते हैं यहां पर एलिजिबिलिटी की। तो गाइस, एलिजिबिलिटी में जो है आप इंडियन रेजिडेंस होने चाहिए, ये तो आप सभी को पता है। आप एक सैलरीड इंडिविजुअल होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है गाइस कि ये सेल्फ एम्प्लॉयड को लोन नहीं देते हैं। अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल है तो आप यहां पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपकी उम्र 23 साल से ज्यादा होनी चाहिए, यानी 23 साल से 58 साल के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए। किस तरीके से आपने इसको अप्लाई करना है वो आप यहां पर समझ लीजिए। सबसे पहले तो आपको यहां पर फॉर्म फिल करना होगा, जिसके अंदर आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होगी, एम्प्लॉयमेंट डिटेल देनी होगी, डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर सबमिट करने होंगे। उसके बाद गाइज, आपको यहाँ पर जो है रीपेमेंट टेनर सिलेक्ट करना है, कितने दिन के लिए आप ये लोन लेना चाहते हैं। उसके बाद गाइज, 3 मिनट के अंदर आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। अगर आप एलिजिबल होते हैं लोन लेने के लिए तो आपका जो
लोन है वो 3 मिनट में अप्रूव हो जाएगा और 24 घंटे के अंदर आपकी लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट के अंदर आपको मिल जाएगी। अब डॉक्यूमेंट्स आप यहां पर सुन लीजिए, आपको डॉक्यूमेंट्स यहां पर क्या क्या देने हैं। डॉक्यूमेंट्स में गाइज आपको यहां पर आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपको यहां पर देना होगा, पैन कार्ड आपको यहां पर देना होगा और पिछले 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपको यहां पर देनी होगी। लोन लेने के लिए गाइज आपको यहां पर क्या करना होगा, सबसे पहले अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी होगी। आपको क्या करना है, चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करना है। जैसे आप चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करते हैं तो गाइज यहां पर ये बोल रही है कि भाई आपको पैन कार्ड, करंट रेजिडेंस पिन कोड और सिटी अपनी यहां पर बतानी है और मेंटल स्टेटस आपको यहां पर अपना बताना है। तो सिंपली आपने प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं, सबसे पहले आपको यहां पर आपका पैन कार्ड का नंबर डाल देना है, आपका एरिया पिन कोड डाल देना है, आपकी स्टेट और सिटी अपनी डाल देनी है, नीचे मेंटल स्टेटस अपना डाल देना है। मेंटल स्टेटस में यहां पर मैं मैरिड हूं, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद गाइज यहां पर क्या होगा, अब आपको यहां पर जो है करंट जॉब एंड रेजिडेंस की डिटेल आपको यहां पर देनी होगी। सबसे पहले आपको यहां पर कंपनी का नाम डाल देना है, नेट मंथली सैलरी कितनी आपने यहां पर वो डाल देनी है, पर्सनल ईमेल एड्रेस आपको यहां पर बताना है और ऑफिस ईमेल एड्रेस आपको यहां पर बताना है। तो गाइज ये जो दूसरा स्टेप है मैं कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑफिस ईमेल एड्रेस नहीं है, क्योंकि मैं सैलरीड नहीं हूँ। अगर आप एक सैलरीड होंगे तो आपके पास आपका ऑफिशियल ईमेल एड्रेस भी होगा। ऑफिशियल ईमेल एड्रेस डालने के बाद आपने प्रोसीड करना है, प्रोसीड करने के बाद आगे के 4 स्टेप आपको कंप्लीट करने हैं। और अगर आप एलिजिबल होते हैं लोन लेने के लिए तो आपने लोन के लिए अप्लाई करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपने वापस होम पेज पर जाना होगा, स्क्रॉल डाउन करना होगा, नीचे यहाँ पर पर्सनल लोन का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपने इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप पर्सनल लोन पर टैप करते हैं गाइज आपके सामने पेज कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम डाल देना है, नाम अपना वही डालना जो आपके आधार कार्ड, आपके पैन कार्ड के अंदर हो। उसके बाद गाइज आपको नीचे डालना है आपका मोबाइल नंबर, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आपका पैन कार्ड नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा, करंट रेजिडेंस पिन कोड अपना डाल देना है, कंपनी का नाम आपको यहाँ पर डालना है, नेट मंथली सैलरी कितनी है आपने यहाँ पर वो डाल देनी है और आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। आप चाहे तो व्हाट्सएप पर भी डायरेक्टली अपडेट ले सकते हैं, वहां पर भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप इसको नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद आगे के स्टेप आपको कंप्लीट करने होंगे। ये फॉर्म फिल करने के बाद जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद गाइज नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको प्रोफेशनल डिटेल देनी होगी, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। और जैसे आपने लोन एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं, लोन एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद गाइज आपके पास बैक कॉल आएगी इनके एम्प्लॉय की और आपसे बोलेंगे भाई आपको लोन चाहिए, बोलेंगे आप भाई हमें लोन चाहिए, लोन आपको लेना है तो आपको डॉक्यूमेंट्स उनको एक बार फिर देने होंगे और साइन वगैरह करने होंगे। साइन एग्रीमेंट करने के बाद आपकी लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट के अंदर 24 घंटे के अंदर आपको मिल जाएगी। यहां पर मैं आपको आगे के स्टेप इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि केवल सैलरीड के लिए, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं तो मुझे यहां पर ये लोन नहीं मिलने वाला है। अगर आप एक सैलरीड है तो भाई आप यहां पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर्सनल लोन आपको यहां पर मिल जाएगा भाई 25 लाख रुपए तक का, मैं तो आपको यहां पर बोल रहा था 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन आपको यहां पर मिलेगा, लेकिन यहां पर आपको मिल सकता है 25 लाख रुपए तक का लोन, लेकिन आप सैलरीड इंडिविजुअल होने चाहिए। तो गाइस अगर आप लेना चाहते हैं लोन तो मार्केट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए बजाज फाइनेंस की और यहां से आप लोन के लिए अप्लाई कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद आपको यहां पर पक्का लोन मिलेगा अगर आप एक सैलरीड है और आपके डॉक्यूमेंट्स सही है तो। गाइस मुझे उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगेगी, आपको वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप एक नए मैंने पहली बार वीडियो देखे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो साथ, आज के लिए बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।